द बेसिक फिजिक्स वालों ने पूछा है, सर पीजीटी टीचर के लिए बीएड कॉम्बिनेशन मैटर करता है? बिल्कुल करता है। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी हुई है ना, तो आप अगर ऑप्शन बीएड में ये लेते हो कि आप बीएड में फिजिकल साइंस ले लेते हो कॉम्बिनेशन, तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स या केमिस्ट्री की हुई है तो ये लाइन आपकी बन रही है, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स में है और बीएड में कॉम्बिनेशन फिजिक्स में है, तो आप पीजीटी के लिए तब एलिजिबल बनते हो। दूसरा ऑप्शन आपका क्या बनता है कि आपने बीएड में केमिस्ट्री और फिजिक्स के बेस पर पेडागोजी ऑफ साइंस ले लिया, तो साइंस में अगर आप आपके पास दो सब्जेक्ट गवर्नमेंट जॉब के मुताबिक भी है, पेडागोजी ऑफ साइंस भी पढ़ ली है, तो आप यहां पर टीजीटी के लिए एलिजिबल होते हो। जब आप ये टीजीटी के लिए एलिजिबल साइंस पढ़ के होते हो, साइंस आपने पढ़ा है और आपने फिजिक्स की एमएससी की हुई है, तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं हो, फिर आपको पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस करके ही पीजीटी के लिए करना पड़ेगा। स्पेसिफिक पीजीटी के लिए स्पेसिफिक पेडागोजी और स्पेसिफिक साइंस जो आपने मास्टर डिग्री की हुई होनी चाहिए, तो दोनों अलग अलग हैं। आपको एडिशनल अगर आपने साइंस लिया हुआ है बीएड में, तो आपको फिजिकल साइंस आपको करना ही पड़ेगा पेडागोजी का। अगर आपने फिजिकल साइंस लिया है फिजिक्स जहां आपकी केमिस्ट्री मास्टर डिग्री है, तो आप पीजीटी के एलिजिबल हो, तो टीजीटी के लिए एलिजिबल होना चाहते हो, तो आपको पेडागोजी ऑफ साइंस का एडिशनल बीएड में देना ही पड़ेगा। तो हर हालत में कॉम्बिनेशन मैटर करता है, और कॉम्बिनेशन आप ऐसे चूज किए कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, जॉब गवर्नमेंट लेना चाहते हो और जल्दी एलिजिबल किसके लिए बनना चाहते हो, मास्टरी किस में है, तो ये कुछ एक फैक्टर है जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताए थे। तो मेरे मुताबिक जो सब्जेक्ट आपने 3 साल पढ़ा हुआ है रेगुलर, उसके बेस पर आप टीजीटी के लिए पहले एलिजिबल बननी है। पीजीटी की पोस्ट कम होती है, उसके लिए एडिशनल पेपर दे के बाद में एलिजिबल बनिए। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज।